हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। टुडे वी आर गोइंग टू सी आवर न्यू पोयम, पोयम नंबर 13, माय चिकन्स ऑन द इंटरनेट। एंड दिस पोयम इज अबाउट द स्टूडेंट। द राइटर एड्रेस दिस पोयम टू द स्टूडेंट और द चिल्ड्रन हु यूज इंटरनेट एंड हु प्लेड गेम ऑल द टाइम एज लाइक पबजी देन फ्री फायर। सो दिस पोयम इज अबाउट द गेम प्लेयर और द स्टूडेंट who use internet only for the gaming purpose। so ये जो poem है यह जो बच्चे सिर्फ दिन भर mobile पर जो net ही देखते रहते हैं, game खेलते रहते हैं, उनके लिए writer ने address की है। address मतलब संबोध, मतलब उनको उनके लिए ही बनाई है। और ये जो chicken है ये सिर्फ क्या symbol लिया है, chicken जो है, चिकन मीन्स जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए यहाँ पर ये चिकन का सिर्फ एक सिंबल, एक साइन लिया है कि उनकी जगह बच्चों को उन्होंने राइटर ने बोला है। अंडरस्टैंड, राइटर इज केन नेस्बिट। केन नेस्बिट इज अवर राइटर। सो वी सी फर्स्ट टू स्टांजा टुडे। माय चिकन ऑन द इंटरनेट, शी सर्व्स द वेब ऑल डे। आई हैव ट्राइड टू स्टॉप हर ब्राउजिंग बट सो फार देयर जस्ट नो वे। नाउ फर्स्ट स्टांजा, पोएट सेज दैट माई चिकन ऑन द इंटरनेट। जो मेरी जो चिकन है, मतलब चिकन मीन्स यंग वन, ऑल द स्टूडेंट और चिल्ड्रन। सो पोएट एड्रेस ऑल द स्टूडेंट, ऑल चिल्ड्रन, स्मॉल चिल्ड्रन आर यूजिंग द इंटरनेट होल डे। एंड शी सर्व द वेब, शी सर्व द वेब मीन्स यूज द वेब ब्राउजर for searching various site such as gaming site also। and I have tried to stop the browsing। मैं उसकी जो browsing है, searching करना, वह stop करना चाहता हूँ, but she can't stop। but so far there is just no way। लेकिन वह मानती ही नहीं, जो मेरी chicken है small young one of hen, वह searching ही करती रहती है। यह writer ने छोटे बच्चों को संबोध कर बोला है कि जो छोटे बच्चे दिन भर नेट पर सर्चिंग ही करते रहते हैं। सर्व द वेब मीन्स यूज द वेब ब्राउजर, एंड ब्राउजिंग मीन्स टू फाइंड द सम इंफॉर्मेशन ऑन द इंटरनेट। देन सेकंड स्टैंजा, शी जंप्स अप ऑन द माउस। वह हमेशा माउस पर ही जंप करती रहती है। लुक एट द पिक्चर, द चिकन इज जस्ट जंपिंग ऑन द माउस। एंड देन द फ्लैप्स अराउंड लाइक, और वहाँ पर फड़फड़ाती रहती है। फ्लैप्स मीन्स फड़फड़ाना। इट मीन्स जो छोटे बच्चे हैं वह सिर्फ माउस पर ही, मतलब जिनके घर अब लैपटॉप है, कंप्यूटर है, वह इंटरनेट पर ही लगे रहते हैं। एंड देन द फ्लैप्स अराउंड लाइक मैड, इट मीन्स जैसे कि पागलों की तरह माउस के और लैपटॉप के ही पीछे रहती है, इंटरनेट के पीछे लगी रहती है। टू क्लिक ऑन एवरी हाइपर लिंक, और जो भी लिंक दिखाई देती है, हाइपर लिंक मीन्स द लिंक ऑफ डॉक्यूमेंट विच इज़ गिवन ऑन द नेट। जो लैपटॉप पर या कंप्यूटर पर हमें लिंक दिखाई देती है किसी भी इसकी, तो वह लिंक पर क्लिक करती रहती है। वह क्लिक करने के बाद वह साइट ओपन हो जाती है। अंडरस्टैंड, एंड एवरी पॉपअप एड, पॉपअप एड मीन्स अनवांटेड एड। पॉपअप एड जैसे हमने मोबाइल का इंटरनेट ऑन किया या लैपटॉप का, तो अनवांटेड ऐड हमें दिखाई देती है, उन्हें पॉपअप ऐड कहा जाता है। पॉपअप ऐड मतलब अनवांटेड एडवर्टाइजमेंट विंडो विच शोन ऑन द मॉनिटर और लैपटॉप और द मोबाइल स्क्रीन। मोबाइल स्क्रीन पर जो अनवांटेड ऐड आती है उन्हें पॉपअप ऐड कहा जाता है। सो डू यू अंडरस्टैंड दिस टू स्टांजा। सो पोएट इन अवर पोयम एड्रेस द स्मॉल चिल्ड्रन हु आर जस्ट यूज इंटरनेट फॉर गेम्स सच एज पबजी, देन फ्री फायर, एंड दे यूज मोबाइल और इंटरनेट और कंप्यूटर ऑल द डे, एंड दे आर ओनली जस्ट सी द अनवांटेड गेम एंड जस्ट प्ले द फ्री फायर। सो पोएट एड्रेस सच टाइप ऑफ स्टूडेंट और चिल्ड्रन। पोएट जो है हमारे पोएम के ऐसे बच्चों को एड्रेस करना चाहते हैं कि आप जो अनवांटेड यूज़ है, जैसे उन्होंने चिकन का एक इमेजिनेशन किया है कि जो चिकन है, मतलब जो चिकन जैसे यूज़ करती है वैसे ही आप भी
दिन भर नेट के पीछे लगे रहते हो और अनवांटेड गेम वगैरह खेलते रहते हैं तो वह अच्छी बात नहीं है. शुड यू अंडरस्टैंड दिस टू चांजाज. इन दिस टू चांजा द यूज ऑफ इंटरनेट बाय द चिकन इज गिवन हियर. शुड यू अंडरस्टैंड यू हैव टू राइट डाउन ऑल द हार्ड वर्ड एंड राइट डाउन दिस टू चांजा इन यूअर नोटबुक. थैंक्स फॉर लिसनिंग मी. थैंक्स अगेन. We will see remaining stanza in our next video. So write down the poem, all stanza in your notebook and write down hard word also. It is your homework.